नमस्कार, मैं हूं रश्मि, आपके साथ आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आदर्श नगर पंचायत कार्यालय दुद्धी में श्रमिक पंजीयन व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। श्रमिक पंजीकरण के लिए ₹10 एक बार अंशदान देना होगा। प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए ₹50 एक बार देना होगा। साथ ही असंगठित क्षेत्र में कर्मकार के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, मोबाइल नंबर, एक फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज लेकर अपना पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण होने के पश्चात ही श्रमिक को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। श्रम विभाग की ओर से पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमा पेंशन मिलेगी। इसके लिए हर माह 60 वर्ष की उम्र तक ₹55 से ₹200 तक की किश्त अदा करनी होगी। धारक की मृत्यु की स्थिति में 50% पेंशन योजना के लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा। योजना में ₹15,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, श्रमिक और अन्य कामगार लाभार्थी हो सकते हैं। अगर आवेदक ने पेंशन की किसी दूसरी योजना में पंजीकरण कराया हुआ है तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।